मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15,600 रुपये की राशि आंशिक रूप में 7% की दर से और शेष राशि को 9% ब्याज की 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। यदि 3 वर्ष के बाद कुल ब्याज की राशि 3,738 रुपये है तो कितनी राशि 7% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की गई, बताओ इस क्वेश्चन को करके। ऑप्शन लिख लो, 7,800 पहला ए ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 7,900, सी ऑप्शन 7,600 और डी ऑप्शन है 7,700, करके बताओ। बताओ करके क्या आएगा इसका आंसर। आंशिक का मतलब क्या होता है? आंशिक का मतलब बता, आंशिक का मतलब क्या होता है? अंश, और अंश का मतलब क्या होता है? अंश का मतलब होता है भाग, मतलब कुछ भाग। आंशिक का मतलब क्या होता है? कुछ भाग। बताओ करके। देखो मैं कर रहा हूं, 15,600 रुपये क्या है? 15,600 रुपये क्या है? कुल राशि है, टोटल राशि कितनी है? 15,600 रुपये। और प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष दर कितनी है? 7% है ना। देखो पहली दर कितनी है? 7%, फिर उसके बाद कितनी है? 9%, और 3 वर्ष का ब्याज कितना है? 3 वर्ष का ब्याज 3,729, यही है 38, 3,738 ये है ना। ये 3 वर्ष का मतलब ब्याज है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? देखो 1 वर्ष के लिए क्या करेंगे, 3,738 में किसका भाग देंगे? 3 का। कितना जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और तीछिंग, तो 1,246 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ। ठीक है, अब जब हमको दर निकालनी होती है ना, दर, दर परसेंट, तो कैसे निकालते हैं? मूलधन कितना है? 15,600 और इसमें से ये कितनी है? 1,246, और गुणा में क्या करते हैं? तो 3 से कट सकता है क्या? 3 पंच 15, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 एकम 3, एक नहीं कट रहा ना, 4 से कट सकता है क्या? नहीं कट सकता। 2 से कट सकता है, 2 3 2 12 और 2 2 4, 2 3 6, तो दर आपकी इतने परसेंट आ जाएगी। ये इतनी बात समझ में आ गई ना। अब ये दोनों की दर है, ये 623 बटा में कितना है? 78। 78 से क्या कर देंगे दोनों को? गुणा कर देंगे, नहीं कर देंगे? हाँ या ना, गुणा कर देंगे। ठीक है, ये कितना जाएगा? 57 56 6 7 49 और 5 54 आ जाएगा ना, 546। 9 72 2 87 63 और 7 70 702। ठीक है, इसका कितना जाएगा? देखो ये 623 आ जाएगा, 623 और 546 का अंतर कितना है? 13 में से 6 गए 7 और 11 में से 4 गए 7 और 5 में से 5 गए 0, यानी कितना बच जाएगा? 77। और इसका कितना बचेगा? 12 में से 3 गए 9 और 9 में से 2 गए 7 और यहाँ 6 बच जाएगा। ये 79 है कि नहीं बताओ, है ना? अनुपात कितना आ गया? 79:77।
इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 9 और 7 16 का 6, 7 और 7 15 एक 14 और 1 15, 156 पर टोटल कितनी राशि है? 15,600 रुपए की राशि है। कितनी राशि है? 600 की राशि। तो एक पर कितनी हो जाएगी? 15,600 बटा में 156, 156 से कट जाएगा, कितना जाएगा? 100 आ जाएगा। और किस पर पूछिए? 7% पर। 7% पर कितनी थी बताओ? 79 थी ना, तो 7900 आंसर आ जाएगा इसका। आगे बात नहीं आई समझ में? आ गई ना, कोई दिक्कत इसमें? तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये इसे बोलते हैं आप मिक्सचर एलिगेशन मेथड। क्या बोलते हैं इसको? मिक्सचर एलिगेशन। देखो आप इस दिमाग को निकाल देना कि ये सवाल, जितने भी सवाल हैं जो मिक्सचर एलिगेशन है, ये एक तरीके से क्या है? अप्रोच है। लेकिन कई बार एग्जाम में क्या होता है, कई बार एग्जाम में ये होता है मिक्सचर से सवाल टफ हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कोई दूसरी ट्रिक्स हम लगा के इसको, सवाल को और ज्यादा सोल्व कर सकें। नहीं बेटी मेरी बात समझ में? आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो समझ में आ रही है? मेरी बात नहीं आ रही है? तो अब आप इसको दूसरी ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, जो है इक्वल। देखो इक्वल मेथड क्या है उसको हम ध्यान से समझते हैं। इक्वल मेथड क्या होगा? तो हो सकता है एलिगेशन से टफ हो जाए, लेकिन हम इसको और किस तरीके से कर सकते हैं। देखो पहली जो रेट है ना वो कितनी है? 7%। और दूसरी रेट कितनी है? 9%। 7% को 7% ही मान सकते हैं ना, और इसको क्या लिख सकते हैं? 7% प्लस में 2%। ये तो इक्वल हो गए कि नहीं हो गए बताओ? हो गए ना इक्वल। अब आप ये देखो, ये 7% है तो हमारे पास कुल राशि कितनी है? 15,600। 15,600 का 7% निकालो, कितना आ जाएगा? निकाल दो फटाफट से। यह जाएगा 15, 7, 105, 1050, 42, 1092। तो 1092 समझ में आ गया ना कैसे आया है? ये 3 साल की कितनी राशि है? 3 साल की ब्याज की 37, 38 है ना। 1 साल की कितनी जाएगी? 1 साल की ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना जाएगा? 1246। एक बात ध्यान से समझना, ये आ गई। आप बताओ कि जो ये हमारी जो राशि थी ना 1 साल की ब्याज की, वो कितनी थी? 1246। लेकिन यहां पर क्या है? 7% की राशि कितनी है? मतलब ये वाली देखो, हमने 7% पर निकाला है, मतलब सबसे पहले तो 1092 है ना, तो यहाँ भी 7%, यहाँ भी 7%। ये 1 साल का ही तो है, ये भी 1246 से ये कितना ज्यादा है? 6 में से 2 गए कितने बचेंगे? 4। 14 में से 9 गए कितने बचेंगे? 5 है ना। और यहाँ कितना बचेगा? 11 में से 10 गए 1। 154 ही आ रहा है क्या बताओ? 154 ही आ रहा है क्या? ये कितना आ रहा है? 154। तो ये 154 जो 2% है ना, उसकी वैल्यू है 154। 2% की वैल्यू 154। 1% की वैल्यू कितनी है? 77 आ जाएगी ना। तो 100% की वैल्यू कितनी जाएगी? 7700 आ जाएगी कि नहीं जाएगी बताओ? आ जाएगी ना। तो जो ये हमने 100% की वैल्यू निकाली है ना, किसकी आई है बताओ? ये किसकी वैल्यू थी? ये कहने का मतलब 7% की वैल्यू थी। नहीं बैठी बात समझ में? ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? देखो यहां पर जो 7-7% है ना, इक्वल है एक तरीके से। क्या है? 7-7% जो पूछा ना, इक्वल है। अब इसमें दो चीज है, एक तो है 7% की, आप 15,600 में से कितना घटाओ? 7700 घटाओ, कितना बचेगा? 0, 0। 16 में 7 गए 9, 14 में 7 गए 7, तो ये आ गई 7900। ये 7900 रुपये क्या है? किसकी है बताओ? 7% की होगी ना ये। नहीं बेटी बात समझ में? ठीक है, क्योंकि 2% की एक्स्ट्रा, ये देखो 1% की कितनी जाएगी? 77 आ जाएगी ना। नहीं बेटी बात समझ में? तो 7900 रुपये आ जाएगी इसकी। ठीक है, देखो पिनेकल का अब 22वां क्वेश्चन है। अम्ल और पानी के मिश्रण में 20% अम्ल होता है। जब मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अम्ल का प्रतिशत 15% हो जाता है। मिश्रण की मूल मात्रा क्या होगी? तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन।
देखो अम्ल और इसमें पानी के मिश्रण में, अम्ल और किसका मिश्रण है, अम्ल और पानी का मिश्रण है, ठीक है। तो इसमें अम्ल की मात्रा कितनी है, 20% है, कितनी है, तो 80 किसकी होगी, पानी की। अब क्या कह रहा है, जब मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है ना, जब मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, यानी 20x और ये क्या हो जाएगा 80x, तो इसमें 10 लीटर जब पानी मिलाया जाता है तो किसकी मात्रा, अम्ल का परसेंट 15% हो जाता है, अम्ल का 15% हो जाता है, तो 85 किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा ना, ठीक है। 3 से काटो, 3 × 5 = 15, इसको इससे काटो 17, ठीक है। 3 × 1 = 3, 2 = 6, ये नहीं कटेगा ना, 5 से कटेगा, 5 × 3 = 15 और 17 × 5 = 85, 3/17 होगा यानी। अब 20 को 17 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, 17 × 2 = 34, 340x बराबर, 3 को किससे करेंगे 8 से, 3 × 8 = 24, 240x और 10 को 3 से करेंगे 30, 240 में से 340 जाएगा, कितना बच जाएगा, कितना x बचेगा बताओ, 17 × 2 = 34 आएगा ये, 3 × 8 = 24, 17 × 2 = 34, 340x है ना, और 3 को 80 से करेंगे 3 × 8 = 24, 240x और 10 × 3 = 30, यही सेम है ना, सही है। इधर को जाएगा तो किसका बच जाएगा बराबर 30, x की वैल्यू कितनी जाएगी 30/100। क्या पूछा है, किसकी मात्रा पूछी है इसमें, मिश्रण की मूल मात्रा क्या थी, तो मिश्रण की मूल मात्रा क्या थी बताओ, बताओ मिश्रण की मूल मात्रा क्या थी, इसका मतलब 100% थी पहले, ठीक है, तो 100 से 100 कट जाएगा तो कितना जाएगा 30 लीटर, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट और राइट आंसर क्या जाएगा, 30 लीटर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं, बात समझ में आ गई नहीं आ गई ये, ठीक है ना, मूल मात्रा जब कहे तो 100% से गुणा करना होता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 75 रुपए प्रति किलोग्राम और 100 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को 85 रुपए प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है, इन दोनों किस्मों का के मिश्रण का अनुपात ज्ञात कीजिए। पिनेकल का 25वां क्वेश्चन है, तो 75 रुपए प्रति किलोग्राम और 100 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय, देखो 75 रुपए प्रति किलोग्राम और प्रति केजी और 100 रुपए प्रति किलोग्राम है ना, चाय को किसे मिलाया जा रहा है 85 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय से का मिश्रण प्राप्त करना है आपको, तो किस अनुपात में मिलाया जाएगा, 75 और 85 का अनुपात 10, अंतर 10, 100 और 85 का 15 और 5 × 2 = 10, तो 3/2 इसका क्या जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 69वां क्वेश्चन है, एक कंटेनर में 20 लीटर मिश्रण होता है जिसमें 10% सल्फ्यूरिक एसिड होता है, 25% सल्फ्यूरिक एसिड युक्त घोल बनाने के लिए इसमें कितने सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा मिलाएं, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन को, एक कंटेनर 20 लीटर मिश्रण है, कितना लीटर मिश्रण है 20 लीटर मिश्रण है, इस 20 लीटर मिश्रण में देखो क्या क्या दे रखा है आपको, 10% तो क्या है सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो 90% क्या होगा बताओ, जो भी होगा अदर पानी। आगे क्या कह रहा है, कितने लीटर मिश्रण है 25% सल्फ्यूरिक एसिड युक्त घोल बनाने के लिए, यानी ये क्या है N1 की मात्रा हो गई और N2 की मात्रा हमारे पास नहीं है अभी तक, और बराबर में N1 प्लस में क्या है N2, 20% क्या चाहिए, 20% क्या चाहिए 25% है, 25% क्या बनाने के लिए
सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए, क्या है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए पानी की मात्रा कितनी करनी पड़ेगी, 75%। तो इसमें मिला क्या रहा है बताओ, ये बताओ कितनी सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा मिला है ना। तो क्या करेंगे हम, सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा अगर मिला रहा है तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा ना वो कितना होगा, पूरा 100% होगा ना, और पानी कितना होगा, 0%। क्या लगा सकते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को लेकर, क्या लगा सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं 100%, और ये कितना है 25%। ठीक है, परसेंटेज को हटा दो, और अंतर कितना है 75, अंतर कितना है 15, 25 या 75 या 15 पंच 75 और 15 एकम 15, 5:1, 5:1 में ध्यान दो, 5 की वैल्यू कितनी है 20, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 4 लीटर, तो 4 लीटर इसका क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आप कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं इसको आप, है ना। कितने क्वेश्चन हो गए वैसे अपने, अगला क्वेश्चन 40 नंबर। दूध और पानी के 30 लीटर मिश्रण में 15% पानी है, घोल में पानी का प्रतिशत 37.5% तक बढ़ाने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। देखो, दूध और पानी के 30 लीटर के मिश्रण में, 30 लीटर क्या है मिश्रण है, 30 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है बताओ। देखो, दूध कितना, पानी कितना है इसमें, पानी कितना है 15%, कितना है 15%, तो दूध कितना आ जाएगा इसमें 85%। अब क्या कह रहा है कि इसमें घोल में पानी का परसेंट 37.5% तक करना है, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें कितना करना है 37.5% क्या करना है, 37.5% करना है इसमें पानी का परसेंट, तो पानी 37.5% है। ठीक है, तो इसमें ये बताओ मुझे आप कि इसमें दूध कितना हो जाएगा, दूध, दूध कितना हो जाएगा इसमें, हो जाएगा 62.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 62.5 ही होगा ना, दोनों को जोड़ेंगे 100 होना चाहिए, 10 का 0 7 10 का 9 10, मतलब 100% हो रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या मिला रहा था इसमें, पानी का कितना परसेंट मिलाया जाना चाहिए, पानी कितना मिलाया जाए, यानी पानी एक्स लीटर मिलाया जाना चाहिए, क्या मिलाया जाना चाहिए, तो पानी को लेकर क्या लगा सकते हैं, एलिगेशन लगा दो, तो पानी कितना है 15, इधर पानी कितना है 37.5, क्लियर है ना यहां तक, और यहां पर पानी कितना मिला रहा था, एक्स लीटर मिला रहा था ना, पानी एक्स लीटर मतलब अगर बात करें तो पानी यहां पर 100 लीटर मिलवाएगा, दूध कितना होगा 0। ठीक है, तो हम ऐसे इसको कह सकते हैं, तो यानी इसमें पानी कितना है बताओ, पानी कितना है 15 है, इधर इधर पानी कितना है 100, इधर कितना है पानी 37.5, तो ऐसे करते हैं ना इसको, हर बार ऐसे करते हैं, 37.5 में से 15 गए कितने बचेंगे, 22.5 बचेंगे, नहीं बचेंगे बताओ, 22.5 और 15 37.5 ही तो होते हैं, और 37.5 में से 100 हो जाएंगे कितने बचेंगे, कितने बचेंगे 100 में से 37.5 गए तो कितने बचेंगे, 62.5 बचेंगे, नहीं बचेंगे, है ना। अब परसेंटेज को हटा दो आप थोड़ी देर के लिए, क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ। ठीक है, आगे देखो, यहां देखो आप 62.5 इसको आप काट सकते हैं ना, काट दो, 25 25 625 25 9 225, 25:9 आ जाएगा। अब 25:9 आ जाएगा तो 25 की वैल्यू कितनी थी, 30 थी ना, यानी 25 की वैल्यू किसके बराबर है, 30 के बराबर, 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 30/25, किसकी वैल्यू चाहिए 9 की वैल्यू चाहिए, 5 25 और 5 30, 6 54/5 आ जाएगा, आप काटो, 5 एकम 5 0, भाग जाता नहीं तो 0 आ जाएगा,
और 5 8 40 10.8 किसकी मात्रा चाहिए इसमें, 10.8 लीटर पानी की मात्रा जाएगी। तो अपना राइट आंसर कितना जाएगा, 10.8 लीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 36 पिनेकल का प्रश्न है और एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। 470 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 5% पानी है। एक शरारती लड़के ने मिश्रण में थोड़ा पानी मिलाया और अब नए मिश्रण में 6% पानी है। लड़के द्वारा मिश्रण में मिलाए गए पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो मिश्रण कितना है, 470 लीटर मिश्रण है। कितना लीटर मिश्रण है, 470 लीटर मिश्रण है। इसमें 5% क्या है, पानी वाटर है, तो 95% क्या आ जाएगा, दूध है। ठीक है, यानी मिल्क कह सकते हैं आप इसको, और ये पानी है। अब आगे क्या कह रहा है, नए मिश्रण में क्या मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जा रहा है। देखो अब नए मिश्रण में 6% पानी है। शरारती लड़के ने मिश्रण में थोड़ा पानी मिलाया और अब नए मिश्रण में 6% पानी है, यानी N1 प्लस जो N2 है ना उसमें कितना परसेंट पानी है, 6% तो क्या है, पानी है, यानी 94% क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्या है, यहां पर क्या मिला रहा था, वो पानी मिला रहा था, यानी उसने जो वाटर मिलाया ना वो 100% मिलाया, और उसने मिल्क कितना मिलाया होगा, 0%। पानी को लेकर एलिगेशन लगा सकते हैं, वाटर को लेकर एलिगेशन लगाएंगे। ठीक है, अब देखो 5% है पानी, इसमें कितना है पानी, 100, और यहां पर पानी कितना है, 6 6 5 का अंतर कितना है, 1 का, और इसका अंतर कितना है, 94 का, 94 इसका अंतर है 100 और 6 का, तो 94:1 आ जाएगा। 94 की वैल्यू कितनी बताओ, 470, 1 की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 लीटर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं।